नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपके साथ एक और केस स्टडी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। अभी पीछे मैंने एक शॉप का वास्तु किया, वहाँ पर क्या देखा, शॉप जो थी वेस्ट फेसिंग थी और उनकी वर्किंग अच्छी नहीं चल रही थी। ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था? जब मैं वहाँ साइट विजिट पर गया तो उनकी शॉप वेस्ट फेसिंग थी और उनकी शॉप में जो काम था वो गारमेंट्स का, यानी बच्चों के कपड़ों का काम था। शोरूम की जो एंट्रेंस बनाई हुई थी वो एंट्रेंस उन्होंने साउथ वेस्ट कॉर्नर से बनाई हुई थी, यानी वेस्ट फेसिंग शॉप है और साउथ वेस्ट कॉर्नर से एंट्रेंस बनाई हुई है। और शोरूम किस चीज़ का है? बच्चों के गारमेंट्स का। जब साउथ वेस्ट से एंट्रेंस करते हैं तो सारी सीटिंग उनकी लेफ्ट हैंड पर यानी नॉर्थ साइड में आ जाती है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो बाहर से अंदर की ओर चलते हुए, यानी जो काउंटर लगा हुआ है वो नॉर्थ वॉल पर लगा हुआ है, स्टाफ की जो सीटिंग है, जो ऑनर की सीटिंग है, वो साउथ की ओर फेस करती हुई है। जितना स्टॉक माल का लगाया हुआ है वो सारा कंप्लीट नॉर्थ वॉल पर लगाया हुआ है, ईस्ट वॉल पर लगाया हुआ है। साउथ वॉल कंप्लीट खाली है और वेस्ट में उन्होंने डिस्प्ले की हुई है। उनके यहाँ जब मैंने विजिट की तो वो बोले, बंसल जी हमारा काम ज़्यादा अच्छा नहीं है, रूटीन के खर्चे तो निकल जाते हैं लेकिन सेविंग नहीं होती। लगभग पिछले 15 सालों से हम अपना ये काम कर रहे हैं, काम तो ठीक है, गुजारा हो जाता है, लेकिन इतने समय से मार्केट के अंदर बैठे हैं, आज तक मैंने एक प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदी, मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। माल हमारे पास बहुत अच्छा है, मार्केट के हिसाब से हम अच्छा माल रखते हैं, महंगा भी बेचते हैं, फिर भी हमारे यहाँ बचत नहीं है। तो मैंने कहा, जब तक आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की रहेगी तब तक आपके यहाँ बचत नहीं आएगी। बोले, बंसल जी क्या करें, आप एक काम कीजिएगा, आप अपनी एंट्रेंस को जो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है उसको नॉर्थ वेस्ट में कीजिएगा और अपना काउंटर साउथ की वॉल साउथ की तरफ लेके आइएगा, जो रैक है रैक भी आपका साउथ वॉल पर आ जाएगा, यानी सारी स्टोरेज आपकी साउथ वॉल पर आ जाएगी। नॉर्थ की वॉल आपकी हल्की हो जाएगी, साउथ की वॉल आपकी हैवी हो जाएगी और जो एंट्रेंस है वो आपकी नॉर्थ वेस्ट से हो जाएगी। ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपकी सेल भी प्लस होगी और आपको प्रॉफिट भी जरूर मिलेगा, और जो प्रॉफिट मिलेगा वो पैसा आपके घर जाएगा और वो पैसा आपके यहाँ सेव भी जरूर होगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट जो गलत था, पहला पॉइंट मेन गेट साउथ वेस्ट में, दूसरा पॉइंट काउंटर नॉर्थ वॉल की तरफ लगे हुए, ऑनर की और स्टाफ की सीटिंग साउथ की तरफ, सारी स्टोरेज नॉर्थ वॉल पे। तीसरा पॉइंट क्या कमी थी? तीसरा पॉइंट, उन्होंने जो मिरर लगा रखे थे वो कंप्लीट साउथ वॉल पर लगाए हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि आप अपने यहाँ मिरर, क्योंकि जब सीटिंग हमारी चेंज हो जाएगी तो मिरर हमारे ऑटोमेटिकली नॉर्थ वॉल पर आ जाएंगे। एज पर वास्तु मिरर नॉर्थ वॉल पर या ईस्ट वॉल पर ही होने चाहिए। साउथ वॉल पर या वेस्ट वॉल पर मिरर आता है, लुकिंग ग्लास आता है, तो उसके अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। ये तीन पॉइंट मैंने उनको बताए कि ऐसे ऐसे आप अपने यहाँ चेंजेस करेंगे तो आपको आपके काम में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके यहाँ बरकत आनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ आप एक काम और कीजिएगा, आप अपने यहाँ पर नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में, उत्तर सेंटर से उत्तर पूर्व तक, यानी नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक पानी का जग आपने यहाँ पर रखना है, यानी पीने का जो पानी है वो नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के बीच जहाँ आपको स्पेस मिलता है वहाँ पर आप पानी पीने का रख सकते। मंदिर आपने कहाँ लगाना है? मंदिर आपने अपने यहाँ ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर मंदिर लगाना है। इसी के साथ मैंने पांचवा पॉइंट क्या बताया उनके यहाँ, उनके यहाँ जो शटर पर कलर था वो था रेड कलर, यानी वेस्ट फेसिंग शॉप है और उन्होंने जो शटर के ऊपर कलर किया हुआ था वो रेड कलर किया हुआ था, जो बोर्ड था उनका वो भी रेड कलर का था। तो मैंने कहा कि आप अपने यहाँ फ्रंट के भाग से रेड कलर चेंज करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन में फायर एलिमेंट आ जाता है तो वहाँ पर काम अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आप अपने यहाँ पर शटर का कलर चेंज करें, बोर्ड का कलर चेंज करें। शटर का कलर जो बताया मैंने उन्हें करने के लिए वो वाइट कलर बताया। मैं आप अपने यहाँ पर ये काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर ज़रूर मिलेंगे। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपकी भी अपनी कोई दुकान है, आप अपनी दुकान में कोई भी काम कर रहे हैं और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार रिपीट करके ज़रूर देखें। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ नोटिस कीजिएगा। आपकी मार्केट के अंदर जिनकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट में होगी उनके यहाँ सेल कम होगी, जिनकी एंट्रेंस सेंटर में होगी या नॉर्थ वेस्ट में होगी उनकी सेल ज़्यादा मिलेगी।
उनके यहाँ काम ज़्यादा मिलेगा। शटर के ऊपर कलर चेंज कर दीजिएगा, एंट्रेंस चेंज कर दीजिएगा, और छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई है वो अपने यहाँ चेंजेस करेंगे तो आपको भी रिज़ल्ट अच्छे मिल जाएंगे। आप अपनी शॉप को, अपने शोरूम को रेनोवेट करना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विज़िट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विज़िट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का नक्शा भी, मैप भी बनवा सकते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मैंने अपने YouTube चैनल पर 500 के करीब वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।